हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बाने गॉसिप में। रिद्धिमा पंडित ने दिखाया है जीत का जज्बा, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार करण नाथ के साथ वो ऐसे क्या बात कहती हुई नजर आई जिसके बारे में जानने के बाद हमें लगा कि उनके अंदर अभी जीत का जज्बा जो है वो आ गया है और वो किसी को भी अभी नहीं देखेगी। दोस्ती अलग और टास्क अलग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रिद्धिमा पंडित को काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी बीच में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उनका कनेक्शन करण नाथ है, तो इसी बीच में अभी जो बॉस लेडी और बॉस मैन का जो टास्क हुआ, उस बीच में जो दिव्या है और जिशान है, उन्होंने KR इनिशियल बना दिए जिसके कारण वो दूसरे राउंड में बाहर हो गए। और इससे जो है रिद्धिमा और करण नाथ काफी ज्यादा सैड हो गए और उसके बाद उन्होंने अपने माइंड में काफी सारी चीजें बनाई है कि भाई यहां पर कोई दोस्त नहीं है। आज रिद्धिमा पंडित और करण नाथ बाहर गार्डन एरिया में बैठे हुए थे और उस दौरान ही रिद्धिमा पंडित करण नाथ को ये चीज कहती हुई नजर आई कि भाई अभी जो है कितनी भी चीजें आ जाए, पूरी दुनिया भर का सामान हमारे ऊपर कोई डाल दे या कुछ भी कर दे, अगला जो टास्क होगा चाहे वो कैसा भी हो, डट के खड़े रहना है, मैं नहीं हटूंगी, मुझे अभी बॉस मैन बॉस लेडी बनना ही है इस घर में और इसे टास्क को खेलना, नहीं तो हम लोग यहां पर करने क्या आए हैं। हमें किसी का नहीं सोचना, हमें अपने आप का सोचना, कोई भी किसी का नहीं सोचता है। जो कि रिद्धिमा पंडित की इन बातों से साफ तौर पर पता चल गया कि रिद्धिमा पंडित ने अपना माइंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। हालांकि रिद्धिमा पंडित के साथ करण नाथ इस गेम में और भी आगे जाए हम तो आशा ऐसे ही करते हैं, पर वोटिंग ट्रेंड जिस तरीके से लिस्ट आ रही है, करण नाथ के चांसेस बहुत ज्यादा है इस हफ्ते घर से बेघर होने के। हालांकि शायद कोई ट्विस्ट भी हो सकता है, उसकी जगह पर कोई और भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर रिद्धिमा पंडित की साथ उनकी जो कनेक्शन, अगर करण नाथ चले गए तो क्या वो अकेली पड़ जाएंगी? तो जरूर कीजिए कमेंट। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।